नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम आज से 10 क्वेश्चनों के जो है करंट अफेयर की श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार शिक्षक भर्ती को स्पेशली ध्यान में रखते हुए शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारा जो 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो बिहार जो है, बिहार स्पेशल है, बिहार के बजट से संबंधित क्वेश्चनों से है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया? सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी यादव। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो पैटर्न आया है परीक्षा का, बीपीएससी द्वारा दिया गया है, उसमें बीपीएससी ने ये चीज़ जो है डिक्लेयर किया है कि 5 ऑप्शन होंगे, हर क्वेश्चन के 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको चूज करके अपना जो है आंसर देना है। तो उसी आधार पे, उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बात समझ में आएगी। और जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, वो साथ साथ में करते चलेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो देखने के बाद में जान ही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया? सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी यादव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस समय बिहार के वित्त मंत्री हैं, वो कौन है? विजय कुमार चौधरी जी हैं। बिहार का बजट अभी हाल में 28 फरवरी 2023 को पेश किया गया, जिसमें इन्होंने जो है बिहार का बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 पेश किया है। कब पेश किया है भी पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप लोग बता सकते हैं 28 फरवरी 2023 को पेश किया गया। वहां के वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं, जिनके द्वारा ये जो है बजट पेश किया गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2023-24 में बिहार में कृषि क्षेत्र में से कौन सा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है? वहाँ कई मिशन शुरू किए गए कृषि क्षेत्र में से के लिए, लेकिन इसमें से चारों पांचों ऑप्शनों में एक ऑप्शन जो है जो नहीं है वहाँ के कृषि क्षेत्र के मिशन से रिलेटेड, उसको आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है, बिहार बाजरा मिशन, बिहार हनी मिशन, बिहार दलहन एवं तिलहन विकास मिशन, फसल विविधीकरण मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के कृषि क्षेत्र में जो मिशन शुरुआत किए गए हैं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट लाने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, उसमें बिहार बाजरा मिशन है, बिहार दलहन एवं तिलहन विकास मिशन है, फसल विविधीकरण मिशन है, पर आपका जो है बिहार हनी मिशन का कोई जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में जैसा कि पूछा जा रहा था, 2023-24 में बिहार में कृषि क्षेत्र में से कौन सा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है? बिहार बाजरा मिशन, बिहार हनी मिशन, बिहार दलहन एवं तिलहन विकास मिशन। तो यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? बिहार, ऑप्शन नंबर बी, बिहार हनी मिशन जैसा कोई मिशन नहीं शुरुआत किया गया बिहार में कृषि क्षेत्र में से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा? 2.38 लाख करोड़ रुपए, 2.46 लाख करोड़ रुपए, 2.61 लाख रुपए करोड़, 2.90 लाख रुपए। यहां से बजट में जो बिहार सरकार ने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, बजट 2023-24 सत्र में जो बजट पेश किया गया, उसमें बिहार सरकार कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, वो आपको बताना है। ये इन जो मैं आज 10 क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, उनमें से एक दो क्वेश्चन हर हाल में आप बिहार के किसी भी वन डे एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड द्वारा लिए गए, एजेंसी द्वारा लिए गए, परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, पेपर दे रहे हों, स्पेशली जब आप शिक्षक भर्ती दे रहे हों,
तो वहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है ताकि एक से एक क्वेश्चन, तो हर हाल में, मैं ज़्यादा की दावा नहीं करता हूँ, पर एक क्वेश्चन आपका जो है हर हाल में पक्का हो जाए। और ऐसे इतना बड़ा कंपटीशन है, 8-8.5 लाख फार्म अप्लाई हुए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो एक नंबर, एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और जब माइनस मार्किंग पे आपका जो है मेरिट निर्धारित होगी, आपका चयन होगा, तब के लिए जो है एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक नंबर आपका यहाँ से सुनिश्चित हो रहा है हमारे प्रयास द्वारा, तो हमारा प्रयास सफल रहेगा और आपकी तैयारी और आपकी जो है लक्ष्य सुनिश्चित होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 2.56 लाख करोड़ रुपये जो है बिहार सरकार ने अपने बजट में खर्च करने का लक्ष्य रखा है, ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा। यहाँ से चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023-24 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है, 2000 करोड़ रुपये, 4,479 करोड़ रुपये, 6,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ रुपये। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है, बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष जो है वो हमारा 4,479 करोड़ रुपये है। कितना है? 4,479 करोड़ रुपये। जो लोग जान रहे थे वो साथ में करते चले, जो नहीं जानते हम वो जब हम करा देंगे खुद ही जान जाएंगे और वो अपना तैयार करते हुए चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है आज का, 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु किसके लिए, भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल प्रस्तावित की गई। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। नए बांध बनाना, उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना, जल संरक्षण मिशन शुरू करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। जैसा कि हमने बताया, जो पैटर्न रिलीज किया बीपीएससी ने, उसमें उन्होंने उसने निर्धारित किया है कि हर क्वेश्चन के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चूज करने के अपना आंसर देना है। तो उसी पैटर्न पे हमने इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास किया है। 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल प्रस्तावित हुई, नए बांध बनाना, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जल संरक्षण मिशन शुरू करना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भूजल संरक्षण हेतु बिहार में अभी हाल में जो है उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर दो यहाँ से राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, 10.7%। आप जब टीचर की वैकेंसी देने जा रहे हो और जब आपको ये किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था पे कितना जो है खर्च करने, एक बजट में कितना खर्च करने का प्रावधान या आवंटन किया गया है इसकी जानकारी आपको ना हो, तो ये सब बोर्ड जो है आपको बारे में जानने की कोशिश करेगा, क्या ऐसी जानकारी रखते हैं भविष्य में बनने वाले हमारे राज्य के टीचर। तो इस पर भी ऐसे क्वेश्चनों की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जो जानते हैं वो साथ साथ में करते चलेंगे, जो नहीं जानते हो करने के बाद में, खुद ही अभी कराने के बाद में पता चल जाएगा, वो उसको तैयार करते हुए चलेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा है, बिहार बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, 10.7%, 16.5%, 17.9%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे विकल्प बनाए जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 17.9% जो है शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का बिहार सरकार ने अपने बजट में पेश किया है खर्च करने के लिए, आवंटन किया है अपने कुल व्यय का कितना परसेंट, 17.9%। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आंसर थर्ड आपका जो है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है, 22,511 करोड़ रुपये, 25,568 करोड़ रुपये, 22,885 करोड़ रुपये, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आप लोगों को, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनने वाला है वो होगा 25,568 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा होना है। तो ऑप्शन नंबर दो यहाँ से सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा आज का है, आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग,
ये तीनों आयोग हैं, इनके द्वारा कुल कितने पद भरने का प्रस्ताव रखा गया है? बिहार में जो तीनों आयोग हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कुल कितने पदों को भरने का प्रस्ताव रखा गया है? 50,000 पोस्ट, 63,900 पोस्ट या 75,543 पोस्ट या 80,000 पोस्ट। तो यहाँ से जो कुल पोस्टों, इन तीनों जो है आयोगों ने मिलकर इतने पदों को भरने का प्रस्ताव रखा है, वो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 63,900 पदों को भरने का इन तीनों आयोगों ने मिलकर एक साथ में, एक आयोग द्वारा नहीं, तीनों आयोगों ने जो है प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ से सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नए क्वेश्चन में है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? 2.47%, 2.98%, 1.98% या 0.47%। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 2.98%। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ से सही हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल हमारा है, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए वेतन और भत्ते के कितने रुपए आवंटित किए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए वेतन और भत्ते के लिए कितने रुपए आवंटित किए? 6,397 करोड़ रुपये, 7.89 लाख करोड़ रुपये, 25,568 करोड़ रुपए या 42,381 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग के लिए वेतन और भत्ते के लिए बिहार सरकार ने टोटल जो है 6,397 करोड़ रुपए को आवंटन किया है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नेक्स्ट क्लास को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि हमारा हिम्मत बढ़ सके, हौसला बढ़ सके, ताकि हम आपके लिए और क्वेश्चनों को लेके आपके साथ में श्रृंखला चलाएं। जब तक आपका पेपर होना है, अभी टेंटेटिव डेट आई है 24-25 अगस्त को पेपर होने का है संभावित डेट, अगर होता भी है तो तब तक हम लक्ष्य बना के चलें आपसे करंट से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को कराने का। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ताकि हम आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।